हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आज उसी के जो है आगे हम लोग चलते हैं, तो समय न वेस्ट करते हुए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज टॉपिक है कंपोजिट नंबर। अभी हम टाइप्स में ही चल रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स यानी हम जिसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर का बच्चों ये मतलब हो गया कि एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, यानी अगर कोई नंबर दिया हो तो उस नंबर को, नंबर कोई भी नंबर होता है वो एक से हमेशा कटता है, तो एक के एक और स्वयं यानी जो नंबर है खुद स्वयं से, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से अगर डिविजिबल होता है बच्चों, तो हम उसे कहते हैं कि ये कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर है। अ काउंटिंग नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाई, अ नंबर इज डिविजिबल बाई वन एंड इट्सेल्फ, ठीक है। तो एक और स्वयं के अलावा, एट लीस्ट वन अनदर नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर। तो बच्चों मेरी बात समझ पाए, यानी एक और इट्सेल्फ बच्चों मतलब स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक ऐसा नंबर हो जो गिवन नंबर हो, जो भी नंबर दिया हो, जो भी संख्या दी हो वो डिविजिबल हो जाए, कट जाए, भाग उसमें पूरा चला जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे मैं कहूँ बच्चों चार, तो देखो बच्चों चार जो है एक से और इटसेल्फ से तो कटेगा ही, इसके अलावा ये किस नंबर से कटेगा? दो से, ठीक है। तो वन एंड इट्सेल्फ, तो वन इट्सेल्फ के अलावा जो है किस नंबर से डिविजिबल है बच्चों? दो से डिविजिबल है। इसका मतलब चार एक कैसी संख्या है बच्चों? तो ये कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे मैं कहूँ टेन, तो टेन बच्चों एक और टेन, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, वन एंड इट्सेल्फ के अलावा जो है ये बच्चों किससे डिविजिबल है? तो पाँच से डिविजिबल है। तो ऐसी संख्या को बच्चों हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो ऐसे नंबर्स को यहाँ पे कंपोजिट नंबर कहा जाता है, ठीक। तो बच्चों समझ पाए कंपोजिट नंबर क्या है? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कंप्लीट नंबर्स बच्चा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, तो ये पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बोलेंगे तो पूर्ण संख्या ही, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है? कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर बच्चा होता क्या है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर जो हैं, जिनके जितने उसके सभी फैक्टर का समेशन क्या होना चाहिए? खुद वही नंबर अगर आ जाए, ठीक, इट्सेल्फ को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर को अगर ऐड करने पर, ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स द गिवन नंबर
ऑफ दी गिवन नंबर। ठीक है, तो जो भी नंबर दिया हो उसके सभी फैक्टर, ठीक है, एक्सक्लूडेड इट्सेल्फ, ठीक है, यानी स्वयं को छोड़ करके, क्योंकि एक फैक्टर स्वयं भी होगा तो स्वयं को छोड़ करके, तो एक्सक्लूडेड इट्सेल्फ। ठीक, अगर वही नंबर आ जाए इज इक्वल टू सेम गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया हो वही नंबर अगर आ जाए, ठीक, तो हम बच्चों क्या बोलेंगे उस नंबर को, कंप्लीट नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर्स। ठीक बच्चों, समझ पाए? तो देखो, जैसे बच्चों मैं लिखूं 6, अब अगर बच्चों 6 का मैं फैक्टर करूं, तो बच्चों 6 का फैक्टर कौन कौन से हैं फैक्टर, भाई 1 से तो सभी डिविजिबल हैं, ठीक है बच्चों। फिर अगर उसके बाद देखा जाए तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये इनके सभी क्या हो गए बच्चों, ऑल फैक्टर्स हो गए। लेकिन ऑल फैक्टर्स में से मैंने कहा कि एक्सक्लूडेड इट्सेल्फ, एक्सक्लूडेड का बच्चों को मतलब हो गया कि उसको निकाल दो, ठीक है। तो 6 को छोड़ करके बाकी सभी को क्या करूँ बच्चों, सम करूँ, ऐड करूँ, ठीक है। अगर 1 + 2 + 3, ठीक, इट्सेल्फ को छोड़ करके बच्चों इसको हम जोड़ेंगे तो क्या है आएगा, ये 6 आएगा। इसका मतलब जो 6 है बच्चों ये कैसा नंबर है, 6 एक कंप्लीट नंबर है, एक जो है पूर्ण संख्या, ठीक, होल नंबर वाला नहीं, ये कंप्लीट नंबर है बच्चों। समझ पाए मेरी बात? यानी कोई भी नंबर दिया हो उस नंबर के आप सभी फैक्टर्स लिखिए, सभी फैक्टर को लिखने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, तो उसको सभी को जोड़ोगे, ठीक, इट्सेल्फ वाले फैक्टर को छोड़ करके, इट्सेल्फ वाले फैक्टर को छोड़ करके सभी नंबर्स को आप बच्चों ऐड करोगे। ऐड करने पर जो भी आएगा अगर वो कंप्लीट, यानी जो दिया नंबर है अगर वही सेम आ जाता है, तब हम उस संख्या को यानी उस 6 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्लीट नंबर कहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे अगर मैं 18 पूछूं बच्चों, तो 18 के क्या क्या फैक्टर उठ सकते हैं, तो सबसे पहले तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 6 होगा, 9 होगा, और क्या होगा बच्चों, 18। ये इसके जो है इतने फैक्टर होंगे जिसमें से इट्सेल्फ को हमने छोड़ दिया। अब अगर बच्चों इसको मैं ऐड करूं, 9 + 6 + 3 + 2 + 1, अब बच्चों अगर इसको ऐड किया जाए तो देखो बच्चों 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 3 18, 18 और 2 18 और 3 ये टोटल आ गया आपका 21। मतलब इस नंबर के इक्वल नहीं आया। अगर उस नंबर के इक्वल नहीं आता है बच्चों, तो इसका मतलब उनको सीधी सी बात समझ में आती है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंप्लीट नंबर वही होगा जिनका, जिनके सभी फैक्टर का इट्सेल्फ को छोड़ करके जिनके सभी फैक्टर्स का समेशन अगर उस नंबर की इक्वल आ जाए, तो उसे हम कंप्लीट नंबर कहेंगे बच्चों। जैसे अगर कुछ नंबर और चेक करें, 24, तो 24 को जो है बच्चों इसके अगर हम फैक्टर करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और 8 है, 12 है और 24 है। इसको आप हटा लीजिए तो देखो 24 बच्चों यहीं पे हो गया, इतना और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों ये पता चलता है कि अगर सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर अगर उस नंबर के इक्वल नहीं आता है, तो वो हमारा कंप्लीट नंबर नहीं कहा जाएगा। इतनी बातें आपको समझ लेनी है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। तो जब भी अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि इसमें से जो है आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से जो है कौन नंबर है जो कंप्लीट नंबर है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा, सभी टाइप्स हो गए, ठीक है। एक आपका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नंबर रियल, जो नंबर होता है वो 2 तरह का होता है, यानी संख्या जो 2 टाइप का, एक कौन बच्चों रियल नंबर, एक क्या बताया था रियल नंबर, और एक बच्चों हमने क्या बताया था इमेजिनरी नंबर, या इसे हम आयोटा नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा नंबर, आयोटा नंबर्स, ठीक बच्चों। ये हमने डिस्कस किया था, यानी वास्तविक संख्याएं और बच्चों काल्पनिक संख्याएं,
इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, काल्पनिक संख्याएं। ठीक बच्चों, तो रियल नंबर और इमेजिन नंबर, तो रियल नंबर और इमेजिन नंबर को अगर मिला दिया जाए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हम जिसे बोलते हैं समरिश संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? समरिश संख्या। और समरिश संख्या हमेशा किस फॉर्म में होता है? तो a प्लस आई बी के फॉर्म में, या बच्चों लिख सकते हो x प्लस आई वाई। ठीक है, तो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये वास्तविक भाग होता है, यानी रियल पार्ट होता है। ये पार्ट कैसा होता है? रियल पार्ट। और ये वाला पार्ट जो बच्चों होता है वो कैसा होता है? इमेजिनरी पार्ट, यानी काल्पनिक संख्या या काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। समझ पाए बच्चों? तो a प्लस आई वी के फॉर्म में जो भी लिखे होंगे उनको हम जो है क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों। ठीक है, अब जैसे बच्चों मैं कहूँ कि दो क्या है, तो आप कहोगे दो एक रियल नंबर है, दो एक नेचुरल नंबर है, दो एक परिमेय संख्या है, दो एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे बच्चों? ये तो ए प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या बच्चों हम ये नहीं लिख सकते कि दो प्लस जीरो इंटू आई? क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता? भाई जीरो में किसी का भी अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अगर जीरो से हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। आएगा क्या बच्चों? केवल दो आएगा। तो इसका मतलब ये तो दो ही तो है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई भी संख्या कम, यानी सभी संख्याएं, ये चाहे रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो, सभी संख्याएं क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नंबर, ठीक है, प्रत्येक संख्या चाहे रियल नंबर हो चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय हो, कुछ भी हो, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी आता है, इमेजिनरी भी आता है। ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। बात समझ पाए। अब जैसे मैं कहूँ कि 3i क्या है, तो 3i बच्चों आप कहोगे कि जो है एक आयोटा नंबर है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बच्चों? बिल्कुल है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है। क्योंकि आप लिख सकते हो 0 प्लस 3i, बिल्कुल लिख सकते हो। और जब आप लिख सकते हो तो यहाँ पे ये 0 प्लस 3i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, समरिश संख्या। ध्यान में रहे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, a प्लस आई बी, जहाँ a और b होते क्या हैं बच्चों? तो a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर से हम संख्या लेते हैं, यानी a और b के जो भी मान लिए जाएंगे वो रियल नंबर होंगे, चाहे दशमलव में हो, चाहे बटे में हो, चाहे रूट में हो, किसी भी कंडीशन में हो। बात मेरी समझ पाए बच्चों? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप कह सकते हो कि एवरी रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एवरी इमेजिनरी और आयोटा नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कॉल्ड रियल नंबर और इमेजिनरी और आयोटा नंबर। बात समझ पाए बच्चों? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलो बच्चों हम आप आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अब आपका ये जो है पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, यानी अभी हम लोग जो देख रहे थे यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हैं, तो प्रॉपर्टीज़ मैंने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को आपको बता ही दिए थे। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, तो वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के कुछ गुण, चलो बच्चों तो अब इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। अगर बच्चों दो रियल नंबर ऐड किया जाए,
दो क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, तो उनका चाहे आप सम करो चाहे विषम, चाहे सम करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, हमेशा क्या आएंगे, रियल नंबर। बात समझ पाए बच्चों? अगर दो रियल नंबर हो, ठीक है, दो क्या हो बच्चों, रियल नंबर, सपोज दैट इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, दो जो है वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी क्या है बच्चों, दो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर ये दो वास्तविक संख्याएं हैं तो देन सम एंड सब्ट्रैक्शन, चाहे सम करो या सब्ट्रैक्शन करो या घटाओ, ठीक है। तो सम एंड और सब्ट्रैक्शन इज आल्सो रियल नंबर। तो चाहे दोनों संख्याओं को आप जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो हम चाहे जोड़ें तब भी जो है क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर ही आएगा, और चाहे ए माइनस बी करें तब भी क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर ही आएगा। बात समझ पाए? जैसे मैं लिखूं कि 2 + 3/2, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर हम बता चुके हैं, चाहे दशमलव में हो, बटे में हो, रूट में हो, ठीक है, वो सभी रियल नंबर हैं। तो जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 7/2, ये भी एक क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ये भी एक क्या है, रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, हमेशा क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब हम बात आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी जो है दो रियल नंबर्स हों देन देयर मल्टीप्लिकेशन तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों वो भी एक रियल नंबर ही होगा, इज आल्सो रियल नंबर। क्या होगा बच्चों? तो विल बी आल्सो रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम a इंटू बी, ए और b दोनों रियल नंबर है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा बच्चों, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। इतनी बात समझ पाए? ठीक, अब हम चलते हैं डिवाइडेशन पे, डिविजिबल पे, डिवीजन पे। अगर दो रियल नंबर हो बच्चों, ठीक है, अगर दो रियल नंबर हो, ए और बी दो रियल नंबर हैं, देन देयर डिवीजन, तो उनका जो भागफल होगा, जो डिवीजन होगा, ठीक है, तो उनका जो डिवीजन होगा बच्चों क्या होगा, तो विल बी नॉट, तो बच्चों वो ज़रूरी नहीं कि वो जो है रियल नंबर ही हो, विल नॉट रियल नंबर, ठीक है बच्चों। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि देयर डिवीजन जो है, अगर जैसे मान लो ए और बी हैं, मैंने ए अपॉन बी लिखा, डिवीजन कर दिया, अगर मैं बी, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है, अगर बी रियल नंबर है तो जीरो भी तो लिया जा सकता है, ठीक है, और ए को मैंने दो ले लिया, तो 2/2 क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, और 2/0 मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब इसकी कोई जो है डिफिनीसन नहीं होती है। इसका मतलब बच्चों ये पता चलता है कि अगर दो रियल नंबर है तो उनका जो डिवीज़न होगा, जो भाग होगा बच्चों, ठीक है, वो रियल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि सदैव जो है रियल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, यानी ये उसको फॉलो, यानी जो दो नंबरों का जो डिवीज़न है रियल नंबर का, वो जो है रियल नंबर नहीं आएगा, ये इसको फॉलो नहीं करता है। तो बात समझ पाए बच्चों? तो यानी हम लिख सकते हैं विल बी नॉट अ रियल नंबर, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियल नंबर ही आए। तो बात समझ पाए बच्चों? इतनी बातें जो है हमको ध्यान में रखनी है।
ठीक बच्चों, तो ये बातें हमको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो अब हम लोग जो है आई होप ये जो है मेरा वीडियो, अब ये नंबर सिस्टम पे जो टाइप्स ऑफ नंबर चल रहे थे वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो आप मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी करिए, ताकि उनको भी जो है मेरे वीडियो से उनको भी जो है लाभ पहुँच पाए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है कैसा लगा। ठीक, तो आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।